टेलीविजन चैनल्स हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो सीधी बात यह है कि ये सारे मसाइल जो हैं इनको देखते हुए हमें यकीनी तौर पे ये समझ लेना चाहिए, और ये मेरी गुजारिश है बच्चों से, कि हम वो जो ट्रेडिशनल थॉट था ना ऑफ एनिमी परसेप्शन, वो बच्ची जो बैठी है उन्होंने कहा था कि दुश्मन कौन है हमारा वहाँ से, एक तो ये वो ज़माना नहीं रहा कि जो आप एनिमी परसेप्शन के ऊपर बेस करते हुए आप इन मसलों का हल ढूंढना शुरू करें, दूसरी 21वीं सदी के जो तकाजे हैं उनको आपको यकीनी तौर पे सामने रखना पड़ेगा। आज जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बिलखसूस मैं बात कर रही हूँ, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान इज सीइंग बियॉन्ड साउथ एशिया, पीरियड। ये समझ लें, ये मान लें, हम सेल्फ बैशिंग क्यों करते रहते हैं, ये सेल्फ रिक्रिएशन क्यों करते हैं, वो एक मैं सख्त बात कह रही हूँ, मगर मान लीजिएगा मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ। आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं महसूस होती है कि बहैसियत पाकिस्तानी हमारी सेल्फ इस्टीम लो है। कौन सा मुल्क और कौन सा माशरा ऐसा नहीं कि जहाँ पे मसाइल नहीं होते, मगर क्या जिन माशरों के अंदर मसाइल होते हैं वो इतने फ्लैट हो जाते हैं कि वो कहते हैं दुनिया से कि जो आए वो आके अपनी उंगली उठाए हमारे पास चला जाए। तो एक तो डोमेस्टिक पॉलिसीज, डोमेस्टिक इश्यूज और खारजा इश्यूज के अंदर आप तफरीक, आप फ़र्क पैदा कर लें, डिवाइड पैदा कर लें। अगर किसी का फॉल आउट इफेक्ट हो रहा है, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, तालमराइजेशन का एक असर पड़ा माशरे के ऊपर, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, लेकिन आपने बात यहाँ पे बहुत अच्छी की है, बिकॉज